यदि यीशु मसीह का जीवन हम में होता और हम जीवित पत्री के समान चलते फिरते रहेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ हम देख पाएंगे। बाइबल ऐसे बताती है, पहले कुरिन्थियों 2:4 में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस ने ये शब्द कहे कि उसके शब्दों में, उसकी बातों में मनुष्य को लुभाने वाली ज्ञान की बातें नहीं थी परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ प्रियो, पौलुस यीशु मसीह के जीवित पत्री के समान जीवन जीता था। लोगों ने पौलुस के अंदर यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के स्वभाव को देखा। इसलिए जब पौलुस दूसरे लोगों से यीशु मसीह के विषय में बात करता था तो लोग उसके शब्दों में ज्ञान लुभाने वाली बातें नहीं मगर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण देखते थे। हाँ प्रियो, जब हमारे जीवन में मसीह यीशु वास करता है, हम यीशु के पवित्र प्रेम से भरे होते हैं, जैसे लिखा है रोमियो 5:5 में कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। यदि हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, हम यीशु के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब हम दूसरों से यीशु मसीह के विषय में बातें करते हैं तो हमारी बोलचाल, हमारे कार्य मसीह यीशु जैसे नजर आते हैं। और इसी रीति से भले हमारे शब्द हल्के हों, थोड़े हों और वो ज्ञान लुभाने वाले शब्दों से परिपूर्ण ना हो, तो भी परमेश्वर इस एक सच्चे संदेश के प्रचार किए जाने के द्वारा अपनी आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हमारे द्वारा दूसरों को जरूर देगा। शायद आप सोचते होंगे, मैं कितनी बार अपनी गवाही देता हूँ, कितना ही प्रचार करता हूँ, लोग लिए कितना ही प्रार्थना करता हूँ, मगर कोई भी सामर्थ, कोई भी आश्चर्यकर्म मुझे नजर नहीं आती। प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है। शेर का बच्चा शेर होता है, गधे का बच्चा गधा होता है, हिरन का बच्चा हिरन होता है, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर जैसा होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके स्वभाव से परिपूर्ण हो। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमें कोई और रूप और समानता दे सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें भूमि की मिट्टी से भले ही रचा मगर अपने स्वरूप और अपनी समानता को देकर उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। एंड वी आर सो प्रेशियस एंड सो इम्पोर्टेंट फॉर गॉड। इसलिए जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर से कितना अधिक भरे हुए हैं। यदि हम पाप करते रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव ना होकर शैतान का स्वभाव होगा। शैतान का स्वभाव हमें झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी जीवन का आदि बना देता है। मगर यदि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, तब हम करुणामय होते हैं, क्षमा करने वाले, क्षमा प्राप्त करने वाले, दयालु हो जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव की समानता में हम ढल जाते हैं। तब परमेश्वर निश्चय ही अपने पुत्र के नाम के द्वारा अपनी आत्मा और सामर्थ का प्रमाण जरूर देगा दूसरों को हमारे द्वारा।